बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपना एक टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं, अपने हाथों और पाँव को वाइट करने का एक बहुत ही ज़्यादा कदीम टोटका बताने वाला हूं, जो कि मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करता रहा हूं। आज चूँकि मेरे हाथों और पाँव की हालत आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये वाली जगह जो हैं ये काली हो चुकी हैं, ठीक है, मेरे हैंड्स की, तो इनको वाइट करने के लिए और पूरे हाथ को वाइट करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टोटका आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। जो जो इंग्रेडिएंट्स और तरीक़ाकार जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों ने सेम एज इट इज़ इसी तरह करना है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मेरे जैसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे जिस तरह मुझे रिजल्ट मिलते हैं मेरे हाथ और पाँव। आप लोग पूछ रहे होते हैं कि यार आपके हाथ इतने वाइट कैसे हैं, तो मेरा ये एक सीक्रेट है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम मेरे वीडियोस आपके होम पेज पे और पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए चलते हैं, बना लेते हैं आज की बहुत मज़ेदार वीडियो। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को चाहिए होगा ये जेलेटिन पाउडर होता है, ठीक है, ये आप लोगों को किसी भी जगह से आसानी मिल सकता है, ये आप लोगों ने लेना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने मेल्ट कर लेना है, जिलेटिन पाउडर को मेल्ट करना है और बकाया तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के हम लोग हाथों और पाँव का मास्क बनाएंगे, जिसको उतारने के बाद आप लोगों के सामने उसी टाइम रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको हम पहले मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट कैसे करेंगे ये आप लोग तरीका देख लीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, पानी का एक पतीला ले लेना है, ठीक है, जो कि गर्म हो। अब इस गर्म खोलते हुए पानी में हम लोगों ने डालनी है ये जिलेटिन पाउडर। इसके अंदर नहीं डालनी इसको, बल्कि इस तरह से रखना है ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह छोड़ देंगे, तकरीबन से तकरीबन 10-15 मिनट लगाएगा, ये इंशाल्लाह बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है, तो आप लोगों ने भी इसी प्रोसेस से करना है, डबल बॉयलर प्रोसेस इसे कहते हैं। जब ये तमाम बिल्कुल एक हनी यानी शहद की तरह बन जाएगा, फिर हम तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। वीडियो को फॉरवर्ड कर लेते हैं, टाइम की कमी है मेरे भाइयों। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो जेलेटिन पाउडर था वो बिल्कुल पानी की तरह हो चुका है, यानी शहद की तरह हो चुका है, गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है, ये आप लोग देखें। अब हम लोगों ने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो जो इसमें ऐड होंगे मास्क बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने सेव करके रखा हुआ था, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक चम्मच भर के ये वाला डाला था पानी के अंदर, आधा कप पानी का था उसमें, ये इसके जो सीड्स हैं वो स्वेल हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इस चम्मच की मदद से इसमें शामिल कर लेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के बराबर हम इसमें ये सीड्स ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड होगा दोस्तों दूध 2 चम्मच के बराबर। अब इसको फटोफट से मिक्सअप करके आप लोगों ने अपने हाथों पर लगा लेना है। अब ये दोस्तों हमारा हाथों और पाँव का मास्क बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको मैं लगाऊंगा अपने हाथों के ऊपर और आप लोगों को इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अपने हाथ पर लगा लिया है। अब मैं इसके सूखने का इंतज़ार करूँगा, फिर इसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगा। कैसे रिमूव करूँगा ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जी दोस्तों, तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा मास्क बिल्कुल सूख चुका है, तकरीबन ज़्यादातर सूख चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तो मैं वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ, ये जब कम्प्लीटली सूख जाएगा फिर इसको मैं उतार के आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आप लोगों को रिज़ल्ट्स दिखाने का। आप लोग यकीनन हैरान होंगे, इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यह है कि पहले की निस्बत मेरा हाथ काफ़ी बेहतर हो चुका है, ये आप लोग देखिए, आफ्टर एंड बिफोर देख सकते हैं। पहले जो मैंने लगाया था, आप लोग वीडियो के स्टार्ट में जाएं, मेरा हाथ देख सकते हैं और इसमें आप लोग देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क है। ये जो जगह है ये भी काफ़ी इन्हेंस हो चुकी है, वाइट हो चुकी है, ये आप लोग देखिए। और इसके अलावा ये जो जोड़ थे ये भी काफ़ी बेहतर हो चुके हैं इस हाथ के।
तो दोस्तों ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। 2 से 3 बार के इस्तेमाल से आप लोगों के हाथ और पांव बिल्कुल गोरे चिटे हो सकते हैं। तो आज से ही आप लोग ये रेमेडी बनाएं और अपने हाथों और पांव को गोरा कर लें। दोस्तों ये एक ऐसी रेमेडी है जिससे आप लोग अर्जेंट, अगर आप लोगों ने किसी शादी के फंक्शन में जाना है तो आप लोग इसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं, हाथों बाजुओं पर लगाइए, टांगों पर लगाइए और इसको छोड़ दीजिए। 20-25 मिनट बाद आप लोग अपने इस मास्क को खींच के उतार दीजिए या फिर रब करके उतारिए, रगड़ के उतार दीजिए। आप लोग देखेंगे उसी वक्त आप लोगों की जो स्किन है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसके अलावा मुझे मेरे स्नैक आईडी पे लाजमी फॉलो करें और जो जो रेमेडी आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हैं या आप लोगों के माइंड में कोई आइडिया है आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए और अपनी होम रेमेडी जो आप यूज़ कर चुकी हैं वो भी मुझसे शेयर करें। मैं आप लोगों का रिव्यू करूंगा आप लोगों की रेमेडी का, तो इंशाल्लाह इससे आप लोगों को भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट आमिर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।